Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video we will discuss the same topic that we discussed in previous video, which is sentence improvement. Kya hai aapka topic? Sentence improvement. All right. See, if I had worked hard, comma, I would succeed in my mission. Right? This is the question. Option number A, a fundamental part है, would succeed. All right? Would get succeed. B, would have succeeded. C, will succeed. And D, no improvement. See, I taught you conditional sentences. What? Conditional sentences. And in conditional sentences, I taught you that if the if clause is in past perfect tense, kisme? Agar aapki if clause past perfect tense mein hai, to aapki jo सेकेंड वाली जो क्लॉज है वो किसमें होगी? वो आएगी आपकी वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री. अब देख लीजिए कि आपके ये स्ट्रक्चर किसमें फॉलो हुआ है. क्या इसमें हुआ है? नहीं. ठीक है, क्या इसमें हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी. क्या इसमें हुआ है? नहीं हुआ जी. और इसमें तो हो ही चलता. ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी. क्या हो गया? बी आंसर. ठीक है, ये वाला आपका आंसर. ठीक है, वुड हैव सक्सीडेड इन माय मिशन, यानी मैं अपने मिशन में क्या हो जाता, सफल हो गया होता. ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आपको उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है जिन चीजों का ध्यान आपने स्पॉटिंग एरर्स में रखा था. ठीक है, अगला देख लीजिए. एन ओवर डोज ऑफ any medicine is enough medicine for us to is enough better to a man as to a plant. Right? देखिए, अब आपका है an overdose of any medicine is enough fatal. यहां पर आप क्या कर देते हैं? अंडरलाइन पार्ट होगा. ठीक है, to a man as to a plant. ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इज enough fatal to a plant as to a man. देखिए, ऑप्शन आपका ए आएगा. फेटल इनफ
ऑप्शन बी हू इन ऑप्शन ऑप्शन सी ग्रेट इनफ नहीं नहीं ग्रेट इनफ नहीं ऑप्शन सी देख लिया यहां पर आपको इसको टू बेटर कर दो ऐसा करना है ठीक है और यहां पर क्या करना है आपको एल बेटर और यहां डी में नो इम्प्रूवमेंट ठीक है तो देखिए एन ओवरडोज ऑफ एनी मेडिसिन इज इनफ फेटल टू कमेंड एज टू द प्लांट ठीक है यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर देखना है पॉजिटिव डिग्री है क्या है पॉजिटिव डिग्री चलो यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री एच टू प्लांट पे यहाँ भी कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव डिग्री ही होनी चाहिए यानी क्या आ जाएगा एच बेटर आएगा क्या आएगा एच बेटर आएगा जो आपके इसमें आया है तो बाकी सारे आपके क्या है रॉन्ग है ठीक है सिर्फ ये वाला आपका सही है ठीक है तो ये चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी होगी ठीक है इसकी स्पेलिंग को ठीक कर लो या मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है ठीक है राइट तो ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है अच्छा एक और चीज देखिए इसी में अगर आपका ये सेंटेंस कैसा होता अगर यही सेंटेंस आपका नेगेटिव होता कैसा होता नेगेटिव होता तो आपका यहाँ पर एस फेटल की जगह क्या हो जाता सो फेटल हो जाता कैसा हो जाता सो फेटल हो जाता फॉर एग्जांपल देख लीजिए चलो यहीं पे लिखा नंबर थ्री मोहन इज नॉट इनफ गुड एट मैथ एज सोहन राइट तो देखिए अब आपका ऑप्शन आएगा गुड इनफ ए ऑप्शन बी ऑप्शन सो गुड ठीक है सी ऑप्शन टू गुड एंड डी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट ठीक है तो देखिए जहां भी पॉजिटिव डिग्री हो कैसी हो पॉजिटिव डिग्री हो बट आपका सेंटेंस कैसा हो नेगेटिव हो तो वहां पर क्या आ जाता है सो क्या आ जाएगा सो एच का कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसका सो एच का तो आप देख लीजिए सो एच किसमें आया सिर्फ किसमें आया है तो यही आपका सही ऑप्शन बाकी ये गलत हो गया ठीक है ये भी गलत है और ये भी गलत है राइट यानी मोहन इज नॉट सो गुड एट मैथ्स एज सोहन ठीक है अगर यही पॉजिटिव होता तो एज एज से किससे एज एज से मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं देखिए अगर आपका पॉजिटिव डिग्री में अफर्मेटिव है कैसा है अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा तो जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा एल एच का ठीक है अगर यही कैसा हो जाए नेगेटिव हो जाए कैसे हो जाए नेगेटिव हो जाए तो आपका हो जाएगा सो ठीक है और एच ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ऑलराइट ये आपका डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन था स्क्रीनशॉट ले लिया करो ठीक है इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं आया करेगी ठीक है
क्वेश्चन नंबर फोर, द न्यूयॉर्क कोविड 19, द न्यूयॉर्क कोविड 19 वॉज ब्रॉडकास्टेड बाई WHO थ्री मंथ अगो। ऑलराइट, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन, आपका अंडरलाइन पार्ट है ये वाला, ठीक है। अब आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए, वॉज बीइंग ब्रॉडकास्टेड, ठीक है। बी वर ब्रॉडकास्टेड, जितने गलत ऑप्शन हो सकते हैं ना सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नंबर सी वर ब्रॉडकास्ट, और नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट। बताइए कौन सा सही है। सही बात तो ये है कि ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म कैसी होती है, सेम होती है। तो ये क्या है, ये गलत है। क्या है, गलत है। ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। और ये भी गलत है, ठीक है। तो आपके पास यही एक बची, ठीक है। तो यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। क्योंकि ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म कैसी होती है, सेम ही होती है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, द र्यूमर दैट, द र्यूमर दैट टाइगर किंग द र्यूमर दैट टाइगर किंग वुड बी killed by a tiger spread everywhere in Pathavanpuram, लेकर के यहां तक, ठीक है। इन पतवंतपुरम, ठीक है। ये आपका अंडरलाइन पार्ट है। अब आपके ऑप्शन आएंगे, देखिए क्या क्या ऑप्शन आएंगे। नंबर वन वोट स्प्रेड, नंबर बी नंबर टू क्या होगा देखिए, वॉट स्प्रेड द रूमर दैट टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर। इसमें ना वॉच कर देते हैं इसको एक बार के लिए, क्या करते हैं वॉच करते हैं, ठीक है। तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। वर्ड स्प्रेड अभी वेल पता, तो यहां पर वर्ड स्प्रेड और यहां पर वर्ड स्प्रेड। नंबर सी वर्ड स्प्रेड, नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। बताइए कौन सा सही है। देखिए
वोट स्प्रेडेड होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप ये देख लीजिए अपन डलन पर वही है, ठीक है, यही का यही ध्यान रखना आप। एवरीवेयर को छोड़ दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीवेयर से एवरीवेयर इतना रोल प्ले नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है, आप अपना ही पार्ट कर लीजिए। यानी छोड़ आया तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और आपको पता है कि स्प्रेड की तीनों फॉर्म कैसी होती है, सेम होती हैं, ठीक है, ये स्प्रेडेड होता ही नहीं है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बचा से तो सिर्फ ये वाला, ठीक है, ये गलत और ये गलत और ये तो गलत हो ही गया, ठीक है, तो आपका एक ही बचा दैट इज सी, ठीक, ये हो गया। अच्छा अगला देखिए, देखिए I have a an apartment. क्लास 11 में भी सीखे थे, अभी 12 में भी सीखोगे, कुछ ऐसे सीख लिए होंगे, तो मुझे ये बताइए कि फॉर लेट आता है क्या कभी, या फॉर लेटिंग आता है, यानी आपका जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो सिर्फ उसी पे की कॉलम में आता है, वो है टू लेट, क्या है टू लेट, टू लेट का मतलब है स्पेस अवेलेबल, ठीक है, यानी रूम्स अवेलेबल फॉर रेंट, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, यानी किराए के लिए घर या मकान या कमरे खाली है, तो देख लीजिए कौन सा सही है, ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है, जैसे कि ये गलत है आपका, ये भी गलत है, ये सही है और ये भी गलत है, ठीक है, तो ये चीजें आपको विशेष करके ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है, इन पर ज्यादा फोकस करना होगा। अब देखिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सीख लीजिए, इसको मैं रफ कर दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आपको नीचे से दिखने में प्रॉब्लम होगी, चलो मैं चेक कर लेता हूँ स्पेस है कि नहीं मोबाइल में, अभी तो है स्पेस, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है, आपका अंडरलाइन पार्ट है ये वाला, ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए देन द ट्रेन वो स्टार्टेड, बी ले लीजिए फिर से देन आ गया, ठीक है, देन द
ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है, और सी है आपका व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड और डी है आपका नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो बताइए जरा कौन सा सही होगा, जरा सोच के बताइए। दिख रहा है ना आराम से? ठीक है, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, दिख रहा है। यानी आपका डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है? ये आपका डी ऑप्शन है जिसमें आपको करना है नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो जरा आंसर दीजिए। यानी जब भी कोई सेंटेंस हार्डली, बेयरली, स्कार्सली से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए हार्डली के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हैड होती है। कौन सी होती है? हैड होती है, ठीक है। देन दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है वो ये देख लीजिए कि आपका जो कंजंक्शन है वो देन नहीं आएगा, आपका जो कंजंक्शन है वो क्या आएगा? व्हेन आएगा। क्या आएगा? व्हेन आएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए तीनों ऑप्शन में से व्हेन किसमें दिया हुआ है, इसमें है नहीं, ठीक है, और इसमें भी नहीं है। देखो मैंने कितना टेक्निकली दिया है, यहाँ पर टी एच ए एन दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पर टी एच ई एन दे दिया है, लेकिन दोनों गलत है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आया? व्हेन आया। यानी कि आपका केवल यही सही है, बाकी ये भी गलत है, ठीक है। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना। अच्छा, इसके जस्ट थोड़ा सा स्लाइटली वेरिएटेड एक और पॉइंट देख लीजिए, उसमें क्या होता है? देखिए नो सूनर डिड आई, अरे बार रीच द, नो सूनर डिड आई रीच द मार्केट, देन द शॉपकीपर क्लोज द शॉप, ठीक है। ये आप अंडरलाइन पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो देखिए पहले में आएगा आपके में व्हेन, बी में आएगा आपके में टी एच ए एन देन, ठीक है, और सी में आएगा आपके में बट, ठीक है, बट नहीं, आप बट सुटेबल नहीं, इमीडिएटली कर दो, ठीक है, और डी में आएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो बताइए जरा आंसर क्या होगा। यानी जब भी आपका सेंटेंस बिगिन हो रहा है नो सूनर से, इससे नो सूनर से बिगिन हो रहा है, तो आपके सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए टी एच ए एन का यूज होगा। किसका होगा? टी एच ए एन का। आप इसको नोट कर लेना कहीं भी अपनी, ठीक है। तो वैन नहीं आएगा, ठीक है, गलत हो गया, ये ही आएगा, ठीक है, ये गलत है और ये गलत है, ठीक है। यानी टी एच ए एन का यूज होगा। किसका यूज होगा? टी एच ए एन का होगा। जब भी किससे बिगिन हो रहा हो आपका सेंटेंस, जब भी आपका सेंटेंस बिगिन हो रहा हो नो सूनर से, किससे? नो सूनर से। अच्छा, अगर यही सेंटेंस ऐसे हो, देख लीजिए ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, और अगर आपके ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे भी आ जाए, देखिए नंबर नो एज सून एज आई रीच्ड द मार्केट द शॉपकीपर
क्लोज द शॉप, ठीक है। यानी जैसे ही मैं मार्केट पहुंचा शॉपकीपर पर क्या करने लगा, दुकान को बंद कर लेगा, ठीक है। उसने क्या कर दिया, दुकान बंद कर दी। तो जब एज सून एज से आपका कोई भी सेंटेंस बिगिन हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और अगर इसी सेंटेंस को अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आपको ये सेंटेंस इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, इंटरोगेटिव में करना है, तो आप किससे करेंगे, नो सून एज से करेंगे, किससे करेंगे, नो सून एज, ठीक है। यानी सॉरी नेगेटिव में अगर आपको करना हो, अगर सून एज को, तो आप नो सून एज से करेंगे, किससे करेंगे, नो सून एज से करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है, किसका रूल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ऑलराइट। और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, देखिए, चलो नीचे लिख देते हैं। दस हो जाएंगे। यू मस्ट नॉट फॉरगेट, यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू कॉल मी एज यू रीच मुंबई, ठीक है। आप अंडरलाइन पार्ट है ये वाला यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यू विल रीच, ठीक है। बी यू विल हैव रीच, और सी देखिए, यू हैव रीच, ठीक है। और आपका डी है नो इम्प्रूवमेंट, क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए, यानी जैसे ही आप पहली पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना मत भूलना। तो ये भी आपका नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। सिर्फ आपका ऑप्शन बचा ये वाला, ठीक है। यानी वो क्या कह रहा है, रिसेंटली की बात कर रहा है, जैसे ही आप पहुंचो ना तुरंत मुझे क्या करना, कॉल करना, ठीक है। जैसे आप पहुंच जाओ आप कॉल करना, तो ये डी वाला वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो यही बचा सिर्फ आपका, ऑलराइट। और देखोगे, और देख लो, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। कोविड 19, कोविड 19 हैड मेड द लिविंग कंडीशन quite miserable than any other wire, ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मोस्ट मिजरेबल, ठीक है, अंडरलाइन पार्ट है ये वाला, ठीक है। नंबर बी मोर मिजरेबल, और नंबर सी डाल दीजिए आप ग्रेट मिजरेबल, ठीक है। और नंबर डी आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो अब देखिए, यानी कुल मिलाकर के
जरूरत ही पड़े हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा सेंटेंस जो आपका दिया हुआ है यहाँ आगे वाले जो पार्ट है वो किसमें है, वो आपका कंपैरेटिव डिग्री में है। किसमें है? कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में तो आपका जो एडजेक्टिव है ये वाला, ये एडजेक्टिव भी आपका किसमें आएगा? ये कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री पॉइंट नहीं होती, यानी कंपैरेटिव मिजरेबल की होगी, मोर मिजरेबल। क्या होगी? मोर मिजरेबल। ठीक है, तो मोर मिजरेबल वाला ऑप्शन सही है। आप देखेंगे कि मोर मिजरेबल किसमें लगी हुई है, इसमें लगी है, नहीं लगी गलत हो गया, तो आप इसमें लगी है, तो यही सही है, बाकी ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, सो दिस इज इनफ फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।